हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल वाईफाई स्कूल इंडिया। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब आप बहुत घर में अच्छे से रह रहे होंगे और अपनी स्टडीज को बहुत सीरियसली ले रहे होंगे। बहुत टाइम से हमने वीडियोस पोस्ट नहीं की थी, ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स हम नहीं कर पाए, बट अब हम रेगुलर अपडेट रहेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपडेट रहें तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी जो वीडियोस आ रही हैं आपको उसके रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। प्लस अब हमने इस चैनल में कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं कि अभी तक हमने इसमें सिर्फ क्लास 10th की वीडियोस अपलोड की थी, बट नाउ ऑनवर्ड्स आपको क्लास 6 to 10th की वीडियोस भी अपलोड मिलेंगी इसमें। तो डियर स्टूडेंट्स जो क्लास 10th की वीडियोस देख रहे हैं, अगर उनके कोई फ्रेंड्स, उनके कोई रिलेटिव जो भी क्लास 6 to 10th के ऑनवर्ड्स हैं, काइंडली टेल देम टू सब्सक्राइब द चैनल। आई होप उनको ये बहुत पसंद आएगा। और अगर आपको पीडीएफ किसी भी चैप्टर्स के असाइनमेंट्स या एक्स्ट्रा बुक के कोई भी क्वेश्चंस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं, हमें अपनी ईमेल आईडी दे सकते हैं, ताकि हम आपकी और ज्यादा हेल्प कर सके। क्योंकि क्लास 10th में आपको खाली एनसीईआरटी पे डिपेंड नहीं रहना है, आपको डिफरेंट डिफरेंट बुक से भी प्रिपरेशन करनी है। सो कम टू द क्लास, सो लेट्स स्टार्ट। वी हैव डन विद द एक्सरसाइज 4.3 इन द प्रीवियस लेक्चर क्लास। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 ऑफ द एनसीईआरटी बुक। दिस इज अ एनसीईआरटी बुक, मैं अब इसी से क्वेश्चंस उठा रही हूँ। सो इसका क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट, जब ये कंडीशन आ जाती है, इट मीन्स कि इस क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स हैं उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन हमारा ऐसा जरूर होगा जिसमें रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। रीजन कि अगर रूट्स एग्जिस्ट करेंगे हम तभी उसका निकाल पाएंगे, उसके रूट्स निकाल पाएंगे। नेचर ऑफ द रूट्स मींस कि वो रियल रूट्स हैं या वो इक्वल रूट्स हैं। हमने पढ़ा था रियल रूट्स कब आते हैं, जब हमारा डी ग्रेटर देन जीरो होगा तो आएंगे मेरे रियल रूट्स, और जब मेरा d इक्वल टू जीरो होगा तो आएंगे मेरे इक्वल रूट्स। अब थर्ड कंडीशन आती है, अगर मेरा d लेस देन जीरो होगा तो आएंगे मेरे नो रूट्स। जब नो रूट्स आ जाते हैं इट मीन्स हमें उस क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं करना है। और जब हमारी ये दो कंडीशंस आ जाती है तो उस क्वेश्चन को हमने तीन मेथड्स पढ़े थे, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड बाय डिस्क्रिमिनेंट मेथड। तो हम उसमें इन तीनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि आपको एक उसी मेथड से सॉल्व करना है, सपोज इसमें आगे क्वेश्चन होता है फ्रेयर रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो आपको वही मेथड अप्लाई करना पड़ता है। और अगर नहीं गिवन तो आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। तो लेट अस कम टू फर्स्ट क्वेश्चन। 2x² - 3x + 5 = 0। सबसे पहले हम अपना डी चेक करेंगे, b² - 4ac, दिस इज आर ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, -3² - 4ab, 9 - 40 - 31। सो नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर क्या आ गया, नो रूट्स। ओके, नो रूट्स, नो रूट्स का मतलब रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। जब ये डज नॉट एग्जिस्ट की कंडीशन आ जाती है तो आपको उसके बाद कुछ भी नहीं करना है, आपका क्वेश्चन यहीं पे फिनिश हो जाएगा, वेदर वो क्वेश्चन 4 मार्क्स का आए या वो क्वेश्चन 2 मार्क्स का आए। नो पॉइंट टू वरी कि आपको होगी, 3 स्टेप में तो क्वेश्चन हो गया, 4 मार्क्स में कैसे हो गया। एग्जामिनर आपकी यही तो आपकी चेक करना है, उन्होंने कंसेप्ट चेक करना है कि हाँ आपको पता है यहाँ पे नो रूट्स है, आप मार्क्स को नहीं देख रहे हैं। बहुत बच्चे ऐसा देखते हैं कि नहीं 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो बहुत लेंदी होगा, नहीं आपने वो चीज नहीं देखनी है। तो बी पार्ट आ गया मेरा 3x² - 4√3x + 4 = 0। अगेन हम फाइंड करेंगे सॉल्यूशन, अगेन हम फाइंड करेंगे b² - 4ac, क्लियर। तो अब देखिए 4 4 = 16,
48 इट इज जीरो. जीरो मींस अभी हमने लिखा था तो नेचर क्या आ गया, इट मींस इट हैज इक्वल रूट्स. अब हम इसके रूट्स फाइंड करेंगे. डिस्क्रिमिनेंट मेथड आप सबको याद है कि अगर मेरे रूट्स अल्फा बीटा है तो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन टू ए, दिस इज अ फॉर्मूला. अब जब मुझे पता है मेरा डी जीरो है तो माइनस बी बाय टू ए, इसमें क्या है मेरा डी, बिकॉज डी इज इक्वल टू जीरो, ये हमने अभी ऊपर फाइंड किया है. तो मेरे अल्फा बीटा दोनों रूट्स क्या आ गए, माइनस बी बाय टू ए. तो मेरे रूट्स आ गए माइनस बी बाय टू ए, दिस इज फोर रूट थ्री अपॉन. अभी हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, ऐसे लिखने का मतलब क्या है कि हमने इसको कैंसिल भी कर दिया, टू रूट थ्री बाय थ्री. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रूट थ्री को, थ्री को रूट थ्री इंटू रूट थ्री, ये कैंसिल साहब टू बाय रूट थ्री. तो टू रूट्स क्या आ गए, टू बाय रूट थ्री एंड टू बाय रूट थ्री. इज इट क्लियर? ओके फाइन, लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन बेटा आपका कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स. कि आपको सॉरी फाइंड के इफ द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स. कि इट इज गिवन टू यू कि जो मेरा डिस्क्रिमिनेंट है वो जीरो है, तो टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो. अब डी इज इक्वल टू जीरो ये हमें गिवन है, तो मेरे रूट्स क्या हो गए, माइनस बी बाय टू ए एंड माइनस बी बाय टू ए. क्लियर? अब देखो रूट्स तो मेरे ही हो गए, बट हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, के की. तो डी क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो. बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो, के स्क्वायर माइनस फोर टू द एट, एट थ्री जा 24. के की वैल्यू निकालेंगे, 24 के फैक्टर्स, टू टू द फोर, फोर थ्री द फोर टू जा एट, एट थ्री जा 24. इट मीन्स टू रूट सिक्स. तो ये आ गई मेरी के की वैल्यू. अगर इसमें फर्दर क्वेश्चन होता कि हाँ आपको रूट्स भी फाइंड करने हैं, चलो हम रूट्स फाइंड करते हैं, तो आप इक्वेशन में काम 2x स्क्वायर प्लस 2 रूट 6x प्लस 3 इक्वल टू 0. इसके रूट्स कैसे निकलेंगे, माइनस बी बाय 2a अभी हमने लिखा, और माइनस बी बाय 2a, माइनस बी बाय 2a, 2 से 2 कैंसिल, तो इट इज रूट 6 बाय 2, रूट 6 बाय 2. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये आंसर भी करेक्ट है. अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो रूट 6 को लिख सकते हैं रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 3, इसको लिख सकते हैं रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2, कैंसिल्स आउट, कम्स आउट टू बी रूट 3 बाय 2 एंड रूट 3 बाय 2. दिस आंसर इज ऑल्सो करेक्ट एंड दिस आंसर इज ऑल्सो करेक्ट. ये पार्ट आपने तब करना है जब आपके ऊपर क्वेश्चन आपको मेंशन हो, फाइंड द के इफ द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स एंड देन फाइंड द रूट. अगर आपका क्वेश्चन ये हो एंड देन फाइंड द रूट, अगर आपका ये पार्ट नहीं गिवन तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि जहां पे आपने के की वैल्यू निकाली है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा. फाइन, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth? First, write the question. Is it possible to design a rectangular field? Rectangular mango grove whose length is twice its breadth and area is 800 meters square. If so, find length and breadth. Is it possible to design a mangrove whose length is twice its breadth? Aapko condition given hai. Let length be x meter. Length is twice its breadth. So here we can take breadth. And let length be, if it is twice, it becomes 2x. Now area, 800 meter square. Area kya hota hai? Length into breadth equal to 800. X it is 2x square equal to 800. 400 x equal to 20 meter. So is it possible? Yes, it is possible ki agar hamari breadth 20 hai और ये हो गया मेरा 40, तो हम इसके लेंथ और ब्रेथ को डिजाइन कर सकते हैं। अगर मेरा ये नंबर नेगेटिव में आता, तब हम बोल सकते थे कि हाँ, हमारे इसमें नहीं है, रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर में तो हमें कोई भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। This is 2x, this is x. आपको एरिया गिवन है। अगर आपको इसका पेरीमीटर गिवन होता तब आपको थोड़ा सा आगे इसमें फैक्टराइजेशन और चेक करना पड़ता। तो इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग टू क्वेश्चंस भी आपने ट्राई करने हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपके वो डाउट को सॉल्व कर दिया जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।